एक सफेद मोती के हार के बारे में सोचें। यदि हम उत्परिवर्तन के बारे में सोचें, तो परिवर्तन एक काले मोती से संबंधित हो सकता है जो सफेद मोतियों की डोरी में दिखाई देता है। समझ आया? उत्परिवर्तन नामक परिवर्तन अपने साथ बहुत अधिक चिंता ला सकता है। अधिक जानकारी के लिए वीडियो देखें। इस वीडियो में उत्परिवर्तन के कॉन्सेप्ट, प्रकार और प्रभाव के बारे में बताया गया है। हमारे शरीर में कई यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। ये कोशिकाएं निरंतर विभाजन की स्थिति में होती हैं। एक कोशिका जो विभाजित होने वाली है, के अंदर जाने पर हम केंद्रक और अन्य कोशिकांगों को देख सकते हैं। केंद्रक के अंदर हम गुणसूत्र देख सकते हैं। इन गुणसूत्रों में जीन के रूप में वंशानुगत जानकारी होती है, जिसे पट्टियों के रूप में दर्शाया जाता है। प्रत्येक जीन में विभिन्न प्रोटीन के लिए एक कूट लेखन करता है। जीन के अनुक्रम में कोई भी परिवर्तन उत्परिवर्तन के रूप में जाना जाता है। यहाँ गुणसूत्रों में एक जीन पर ध्यान केंद्रित करते हुए हम क्षार अनुक्रम का संयोजन देख सकते हैं। अपनी समझ को बढ़ाने के लिए आइए एक नमूना जीन के रूप में एक वाक्य का प्रयोग करें। राम हैज रेड कैप। निवेशन, यह एक वाक्य में एक अक्षर के निवेशन के बराबर है, जैसे कि यह उदाहरण जहां हम अक्षर बी को हैज और रेड के बीच में निवेशित करते हैं। बिंदु उत्परिवर्तन के बाद यह बदल जाता है। राम हैज BREDCAP। इसी प्रकार यदि हम दो अक्षर जैसे कि BI को एक ही स्थान पर निवेशित करें, तो राम हैज BIREDCAP मिलता है। या हम तीन अक्षर जैसे कि BIG एक साथ एक ही जगह पर निवेशित करते हैं, तो राम हैज बिग रेड कैप पढ़ा जाएगा। एक अन्य प्रकार का उत्परिवर्तन विलोपन है। विलोपन, ऐसे उत्परिवर्तन जिनके परिणाम स्वरूप क्षार या प्रकूट गायब हो जाता है, विलोपन कहलाते हैं। ये छोटे हो सकते हैं, जैसे केवल एक अक्षर को हटाना या तीन अक्षरों का एक समूह। विलोपन से फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन भी हो सकता है। इस उदाहरण में विलोपन राम हैज रेड कैप वाक्य में रेड शब्द से आर अक्षर को हटा देते हैं, तो कथन राम हैज EDCAP पढ़ा जाएगा। दो अक्षर RE को एक साथ हटाने पर वाक्य राम हैज DCAP के रूप में पढ़ा जाएगा। और अगर हम तीन अक्षर RED को एक साथ हटा दें, तो वाक्य में राम हैज कैप लिखा होगा। निवेशन और विलोपन दो प्रकार के बिंदु उत्परिवर्तन हैं। एक बिंदु उत्परिवर्तन जीन अनुक्रम में एक क्षार में एक साधारण परिवर्तन है। फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन, फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन केवल निवेशन और विलोपन के कारण होता है। जैसा कि आप इन वाक्यों से देख सकते हैं कि एक क्षार को जोड़ने और एक क्षार को हटाने से निवेशन या विलोपन के बिंदु से फ्रेम शिफ्ट बदल जाता है। इसी प्रकार दो क्षारकों को जोड़ने और दो क्षारकों को हटाने से निवेशन या विलोपन के बिंदु से फ्रेम शिफ्ट बदल जाएगा। और तीन क्षारकों का जोड़ और तीन क्षारकों का विलोपन वास्तव में एक पूरे प्रकूट को जोड़ता या हटाता है, इसलिए इस बिंदु से रीडिंग फ्रेम अपरिवर्तित रहता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि वाक्य के अंतिम शब्द वही रहते हैं। सारांश, DNA अनुक्रम में कोई भी परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाता है। उत्परिवर्तन जिसके परिणाम स्वरूप एक या अधिक क्षार गायब हो जाते हैं, विलोपन कहलाते हैं। उत्परिवर्तन जिसके परिणाम स्वरूप एक अतिरिक्त क्षार जुड़ता है, निवेशन कहलाता है। अनुक्रम में एक क्षार को बदलने वाले उत्परिवर्तन को बिंदु उत्परिवर्तन के रूप में जाना जाता है। फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन के परिणाम स्वरूप रीडिंग फ्रेम में उनकी प्राप्ति के बिंदु से परिवर्तन होता है।
लेकिन पूरे प्रकूट को शामिल करने वाले उत्परिवर्तन फ्रेम शिफ्ट को नहीं बदलते हैं। यह सभी अलग अलग जीन उत्परिवर्तन के माध्यम से एक यात्रा थी। एक जीन उत्परिवर्तन को वर्तनी की गलती के रूप में माने तो यह अधिक समझ में आएगा। यह छोटा उत्परिवर्तन प्रोटीन संरचना और अंततः लक्षण प्ररूप में परिवर्तन का कारण बनता है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें।